press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए खबर लाए हैं कि कैसे मनाया दबंग खान ने अपना नया साल। सलमान खान ने इन दो हसीनाओं के साथ मनाया न्यू ईयर, दोनों के संग रही अफेयर की अफवाह। इस साल बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपने करीबी दोस्तों के साथ नया साल 2022 मनाया। उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर को रात एक्टर के साथ पार्टी करते देखा गया। इस पार्टी में सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के अलावा बीना काक शामिल हुई। पनवेल फार्म हाउस में मना जश्न। बीना काक ने इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में सलमान खान कैजुअल ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। वह बीना काक के साथ पोज देते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन सलमान के पनवेल फार्म हाउस पर हुआ है। इंस्टाग्राम पर छाई तस्वीरें। सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया ने भी इंस्टाग्राम पर बीना काक, अमृता काक, सामंता लॉकवुड, संगीता बिजलानी के साथ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की। एक वीडियो में उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। सलमान खान ने की ऑटो की सवारी। इससे पहले सलमान खान को मुंबई की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए देखकर नेटिजन्स दंग रह गए थे। वहीं हाल ही में अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले एक्टर को उनके पनवेल फार्म हाउस पर एक सांप ने काट दिया था। उन्हें इलाज के लिए कामोठे के एफजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6 घंटे के इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सलमान खान ने इस घटना को अपने जन्मदिन की रात मीडिया के साथ साझा किया था। सलमान ने क्या बोला था? सलमान ने इस संबंध में बताया था कि मेरे फार्म हाउस में एक सांप घुस आया था, मैं उसे लाठी की मदद से बाहर ले गया, धीरे धीरे वह मेरे हाथ आ गया, फिर मैंने उसे छोड़ने के लिए अपने हाथ में पकड़ लिया, तब इसने मुझे 3 बार काटा। यह एक तरह का गैर जहरीला सांप था और मैं 6 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अपने कमेंट बॉक्स में इस बारे में कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।